है और साथ में मेरे हस्बैंड भी आए हुए थे, तो मेरे साथ तो आप लोगों को नहीं दिखे क्योंकि ना वॉकिंग और रनिंग कर रहे थे और अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं यहाँ। तो चलो मैं दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही थी और ये ना रनिंग करके आए थे तो काफ़ी इनको पसीना आ रहा था। और ये है आर्मी मैन, तो आप लोगों को तो पता ही है कि आर्मी मैन को तो डेली 32 बार फार्मूला उनकी लाइफ में इन्वॉल्व रहता ही है, तभी वो लोग इतने फिट होते हैं। और यहाँ पे मैं अपना स्टार्ट कर चुकी हूँ मॉर्निंग के वॉक के बाद में अपना एक्सरसाइज। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक बात बता देती हूँ कि जब से मैंने ये 32 बार फार्मूला अपनी लाइफ में शामिल की हूँ ना फ्रेंड्स, तो रियली मुझे इतना ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है इसका, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि पहले ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, पहले मतलब गैस बन जाया करता था और पेट साफ़ नहीं होता था, लेकिन ना अब ये सब चीज़ से मुझे 32 बार फार्मूला करने से ना बहुत ही मतलब रिज़ल्ट आ रहा है और मैं काफ़ी मतलब ये सब परेशानियों से दूर हो चुकी हूँ। क्योंकि अभी जो पेट साफ़ होना क्या है ना, अगर पेट साफ़ ना हो तो मेन मोटापा का जड़ होता है पेट साफ़ नहीं होना और गैस बन जाना, तो ये सब ना बहुत ही परेशानी की बात होती है। क्योंकि अगर ये साफ अगर पेट साफ़ ना हो और खाना ना टाइम पे हम अच्छे से खा सके तो वही हमारे मोटापे का कारण होता है। तो फ्रेंड, जब से मैंने ये 32 बार फार्मूला अपनी लाइफ में शामिल की हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट मिल रहा है। और फ्रेंड्स, पता है क्या हम लोग क्या करते हैं ना, कि सुबह से शाम तक बस पूरे काम में बिजी रहते हैं, कभी ये काम कभी वो काम, कई सारे घर के काम निकालते रहते हैं। और उन्हीं कामों में से अगर एक घंटा हम अगर अपने लिए निकाल सके, एक घंटा नहीं तो कम से कम हमें अगर आधा घंटा भी अपने लिए अपने शरीर के लिए निकाले ना फ्रेंड्स, तो बहुत ही मतलब इसका बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि देखो, अभी तो हम अगर जैसे छोटी मोटी प्रॉब्लम को सह लेते हैं, लेकिन यही एज आगे चल के नहीं रहेगा, ऐसी कई सारी प्रॉब्लम होगी। और अगर हम बेड पे पड़ गए ना कोई बीमारी लेके, तो उसके बाद में तो फिर हमें ये कोई काम के ही नहीं रहेंगे फ्रेंड्स। शरीर तभी तक अच्छा लगता है सबको जब तक हम कुछ करने के लायक होते हैं, अगर ना करें ना तो हर कोई हमें गुस्सा करने लग जाते हैं। तो इसलिए हमें अपने आप में फिट रखने के लिए ना ज़रूर अपने लिए 30 मिनट्स तो निकालना ही चाहिए और अपना ये 32 फार्मूला को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, सचमुच में 32 बार फार्मूला को यूज़ अपने शामिल करने से लाइफ में ना बहुत ही लाइफ का चेंजेस आ जाता है फ्रेंड्स। क्योंकि जो मुझ पे रिज़ल्ट दिखाई दे रहा है ना, वो मैं आप लोगों को क्या बताऊं फ्रेंड्स, रियली बता रही हूँ। और ऐसा लगता है ना कि जब इस मतलब योगा करने बैठो ना, तो ऐसा लगता है कि बस करते रहो। और जब अब इतनी आदत ख़राब हो गई है फ्रेंड्स कि अगर एक दिन भी अगर मिस हो जाता है ना, तो बड़ा दुखी होता है। तो मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करती हूँ, इसलिए अपना 32 बार फार्मूला की जर्नी चालू ही रखती हूँ। एक्सरसाइज भी हो चुका है और यहाँ ना मेरी क्लिप भी टूट गई, पूरे बाल फैलने लग गए। अब चलते हैं, थोड़ा सा वो है ना आउटडोर जिम, थोड़ा उस पर कर लेते हैं, फिर घर चलते हैं। यहाँ पे ना मैं आउटडोर जिम करने लगी, क्योंकि जब इस पार्क में आओ ना, रियली यहाँ से ना मन ही नहीं करता है जाने का। जब एक्सरसाइज हो जाता है तो मन करता है कि यहाँ पे जितने भी मतलब आउटडोर जिम में रखे हुए हैं ना, तो वो सारा मैं कर लूँ, यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ करूँ, तभी घर जाऊँ। तो यहाँ ये भी आके ना सारा करते हैं, क्योंकि ये पार्क इतना अच्छा है ना, यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग ना वैसे भी गर्मियों में ना यहीं पर आके एक्सरसाइज करते हैं और देख सकते हो। और फ्रेंड्स, रियली बता रही हूँ फ्रेंड्स, हमें ना अपने लाइफ में 32 बार फार्मूला को ज़रूरी करनी चाहिए। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आगे चल के ना आजकल इतना प्रॉब्लम मतलब सुन सुन के ऐसा लगता है ना कि लाइफ अब बहुत छोटी हो चुकी है। तो इसलिए हमें ना अपने शरीर पे ध्यान देना ही चाहिए फ्रेंड्स। अगर हमारा शरीर सही तो सब कुछ सही रहता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हो चुका है हमारा एक्सरसाइज और हम लोग जाने लगे घर, ये भी साथ में ही है। और अब घर जाके आप लोगों से मिलते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं पार्क से और यहाँ टाइम हो रहा है 8 o'clock। और क्या है ना, यहाँ मैं बना रही हूँ अपना मॉर्निंग ड्रिंक एक्सरसाइज करने के बाद में। तो यहाँ पे रात को मैंने एक ग्लास पानी में जीरा को भिगो दिए थे और उसे अभी बॉईल कर ली हूँ फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ 2 cup ले ली हूँ, 1 हस्बैंड को दे दी और 1 cup मैं ले रही हूँ। और किसी भी ड्रिंक को अगर गरम गरम पीते हैं और सिप सिप करके पीते हैं तो उसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है और बेनिफिट मिलता है फ्रेंड्स वेट लॉस करने में। और उसके बाद में मैं यहाँ बना रही हूँ अपना फेस पैक।
तो यहाँ फेस पैक बनाने के लिए ना मैं ले रही हूँ बेसन, एक चम्मच बेसन ली हूँ, एलोवेरा जेल और चुटकी भर हल्दी और बादाम रोगन दो बूंद ले ली हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ मैं दही ले ली हूँ, क्योंकि दही ना मेरे फेस में काफ़ी सूट करता है। अगर दही की जगह पे हम दूध भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे दही ज़्यादा मतलब सूट करता है। तो मैंने उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिए है और उसके बाद में अपने फेस पर अप्लाई कर ली हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्या है ना कि हम लोग डेली मतलब पार्लर वगैरह नहीं जा सकते हैं, इतने पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं, तो अपने घर पे ही मैं अपना होममेड पैक वगैरह बना के लगा लेती हूँ। और यहाँ पे ना इसका मुझे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। और देखो इसमें मैं एक्स्ट्रा अपना टाइम नहीं दे रही हूँ फेस पैक के लिए, क्योंकि पहले तो मैं अप्लाई कर ली थी और उसके बाद में मैं यहाँ लगा रही हूँ पोछा, तो मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो फेस पैक को जब लगाती हूँ तो यहाँ पे मैंने रख ली थी 10 मिनट के लिए, और उसके बाद में अब इसे मैं अच्छी तरह से वो सूख जाता है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा पानी लगाने के बाद में हल्के हाथों से मसाज करके निकालना होता है। लेकिन आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत फास्ट कर रही हूँ, लेकिन नहीं, मैं हल्के हाथों से कर रही थी, थोड़ा फास्ट कर दी हूँ इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स क्या है ना, घर में ही हमें कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। तो ये सब करने से क्या है, स्किन टाइट भी रहता है, नहीं तो फिर क्या है ना, स्किन ऐसे लूज बन आता है। इसीलिए अपने घर पे ही कुछ ना कुछ हमें अपने फेस पे अप्लाई करते रहना चाहिए। और यहाँ बच्चे ना बार बार आके देख रहे थे कि मम्मा कर क्या रही है। और यहाँ मेरा हो चुका है और चेहरा काफ़ी अच्छा लगने लग गया था। और फ्रेंड्स उसके बाद में ना मैं नहा धो के आ चुकी थी और मुझे करना था अपना ब्रेकफास्ट। तो आज का मेरा ब्रेकफास्ट है मूंग का, जो साबुत मूंग होता है अंकुरित वाला, तो वही आज मैं ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ। और इसे भी मैं 32 बार चबाऊँगी फ्रेंड्स, ताकि कि वो अच्छी तरह से लिक्विड बन सके पेट में जाके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अंकुरित मूंग के साथ साथ मैंने यहाँ पे दो चीकू ले लिए हैं, जिससे कि मेरे बॉडी पे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट की तरह अच्छे से हेल्प मिल जाए। और उसके बाद में मैं डायरेक्ट यहाँ लंच के टाइम दिख रही हूँ फ्रेंड्स, और यहाँ ना सेम फली की सब्जी बनाई हूँ मैंने। फ्रेंड्स मैंने सभी को खाना दे चुके हैं और खा भी लिए सभी लोग, अब बस मैं बची हूँ खाना खाने के लिए। तो चलो मैं दिखाती हूँ कि क्या मैं आज खाना में अपने लिए ली हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, खाना में सेम फली की सब्जी है जो मैं सभी के लिए बनाई, वही ले रही हूँ। और यहाँ सलाद है और यहाँ रायता ले ली हूँ। और यहाँ मेरी बस दो रोटी है फ्रेंड्स, देख सकते हो ये दो ही रोटी है, मैंने ऐसे मोड़ के रखे है। तो यही मेरा खाना है, डाइटिंग वाला खाना है, देख सकते हो। जैसे कि आपने ब्रेकफास्ट का भी देखा सुबह कि मैंने ब्रेकफास्ट में क्या ली थी, और अभी ये लंच में मैं ये ले रही हूँ फ्रेंड्स, तो देख सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैं लंच ले चुकी हूँ, और यहाँ जब मैं खाना खाऊंगी तो उसे भी 32 बार चबा के ही खाऊंगी, क्योंकि जब हम खाना को 32 बार चबाते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो उससे हमारे डाइजेशन होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है और खाना जल्दी से पच जाता है फ्रेंड्स। और उसके बाद में ना मैं यहाँ पे क्या है, खाना खाने के बाद में हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, तो मैं वॉकिंग तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि उसके लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वज्री का आसन में बैठ चुकी हूँ फ्रेंड्स, और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा कि आप लोगों तक मेरे हर एक नई वीडियो आ सके। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ में, नए वीडियो के साथ में। ओके बाय बाय, टेक केयर।